हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक। ये तीनों जो है कार्बोनिल परिवार के सदस्य हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि कार्बोनिल परिवार क्या होता है। तो जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है, ये वाला हिस्सा उपस्थित होता है, उसको अपन कहते हैं कार्बोनिल परिवार। तो पहली बात, ये हिस्सा आपको जिसमें भी मिलेगा वो कहलाएगा कार्बोनिल परिवार। अब एल्डिहाइड के अंदर ये जो हिस्सा होता है, इसके एक तरफ कार्बन, ये कार्बन समूह है, और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ी होती है। तो ये जो CHO समूह होता है, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। कीटोन में C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन होता है, इधर भी कार्बन समूह, इधर भी कार्बन समूह, इसको अपन कहते हैं कीटोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में C डबल बॉन्ड O के एक तरफ कार्बन होता है, एक तरफ OH होता है, तो COOH, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं आपको एक एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसके अंदर CHO समूह उपस्थित है, तो ये कहलाएगा आपका एल्डिहाइड। इस C डबल बॉन्ड O समूह के इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, ये कहलाएगा आपका कीटोन। और CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये COOH समूह उपस्थित है, तो ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस चैप्टर को हम तीन हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होगा आपका एल्डिहाइड, दूसरा हिस्सा होगा आपका कीटोन, और तीसरा हिस्सा होगा आपका कार्बोक्सिलिक। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का निर्माण को स्वच्छ भाषा में अर्थात साइंस की भाषा में विरचन कहते हैं। तो एल्डिहाइड का विरचन हमारा पहला टॉपिक है। अब देखिएगा दोस्तों, एल्डिहाइड बनाना है अर्थात C डबल बॉन्ड OH बनाना है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपन काम में ले रहे हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम क्या बनाने वाले हैं, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम बनाने वाले हैं एल्डिहाइड। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार चीज है। आपने लिया एल्कोहल, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 OH। तो ये जो CH3 CH2 OH है, ये एल्कोहल है, और ये प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब क्या होता है, आपका ये जो OH समूह है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन अकेला हो या आगे केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये जो आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन अकेला हो या फिर आगे केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। तो आप देख सकते हो OH यहां पे जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन केवल आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब इस 1 डिग्री एल्कोहल का जब आप कराते हैं ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण का दो मायने हो सकते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण के दो मायने हो सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। तो इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे, तो हम इस हाइड्रोजन को निकाल देंगे।
तो ये हाइड्रोजन निकल गई, यहां पे दो हाइड्रोजन है, सी एच टू है, तो सी एच टू कैसे लिख सकते हैं, सी एच इसके ऊपर एक और एच, तो सी एच टू, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो आपने कितनी हाइड्रोजन निकाल दी ऑक्सीकरण में, दो हाइड्रोजन। जब आपने दो हाइड्रोजन निकाल दी, सी एच थ्री बचा, ये सी है, इस सी के साथ में ये हाइड्रोजन जिंदा है, तो ये हाइड्रोजन जिंदा है, ऑक्सीजन के साथ में इसका एक बंध है, ऊपर दिखा देता हूं, ऑक्सीजन के साथ में इसका एक बंध है। अब देखो, जब आपने ऑक्सीकरण करवाया, जब आपने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो ये वाली हाइड्रोजन चली गई और ये वाली हाइड्रोजन चली गई, जब ये दोनों हाइड्रोजन चली जाएगी तो इस कार्बन का एक बंध गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन का भी एक बंध कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी अनाथ हो गई और कार्बन भी अनाथ हो गया, तो दोनों अनाथ एक दूसरे के साथ घर बसा लेंगे, मतलब इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ जो एक बंध का नुकसान हुआ है, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ जो एक बंध का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई वो आपस में कर लेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बंध तो बना हुआ है, एक बंध और बन जाए, और कौन सी चीज बाहर निकल गई है, ये H और ये H बाहर निकल चुका है, मतलब माइनस ऑफ H2, H2 जो है वो बाहर गई और क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब देखो, पहले OH समूह था तो ये क्या था, एल्कोहल, अब कौन सा समूह है, C डबल बॉन्ड OH, और C डबल बॉन्ड OH अर्थात CHO क्या कहलाता है, एल्डिहाइड, तो अब ये आपका क्या बन चुका है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब अपन चाहते हैं कि नहीं भाई, हमें एल्डिहाइड तक रुकना नहीं है, हमें और ऑक्सीकरण करना है, तो आप चाहो तो इसका आगे और ऑक्सीकरण भी कर सकते हो, आगे और ऑक्सीकरण कैसे कर सकते हैं भाई, देखो ऑक्सीकरण का मतलब तो वही होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, तो अब अपन इसमें से और हाइड्रोजन निकालते नहीं है, इस बार अपन इसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, कहां जोड़ेंगे, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में हम एक ऑक्सीजन को फिट कर देंगे, मतलब कैसे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो H है इसके बीच में, मतलब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में हमने एक ऑक्सीजन को फिट कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड का हमने क्या करा दिया, ऑक्सीकरण। फिर से मेरे भाइयों, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या हाइड्रोजन का निकलना, यहां पे या है, दोनों में से आप जो है कोई एक काम कर सकते हो, दोनों काम करो तो फिर माशाल्लाह, बट दोनों में से कोई एक काम तो करना ही है, तो जब आप इस सी डबल बॉन्ड ओ एच में से बीच में एक ऑक्सीजन को जोड़ते हो तो आप इसका क्या करा देते हो, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कराते ही अभी क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच क्या होता है आपका, कार्बोक्सिलिक, तो ये क्या बन चुका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां से एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि अगर वन डिग्री अल्कोहल जिसमें OH एक OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं वन डिग्री अल्कोहल, अगर उसका आप ऑक्सीजन कराते हो तो ऑक्सीजन कराने पे पहले आपको मिलता है एल्डिहाइड, यहां का एच जाएगा, यहां का एच जाएगा, ये दोनों अनाथ हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, बन गया एल्डिहाइड। फिर जब इसका आप आगे ऑक्सीकरण कराओगे तो उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ देनी है इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, अब एक और तरीका हो सकता है, कोई बंदा चाहता है कि मैं एक डिग्री अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक में जाऊं, कोई चाहता है कि मैं एक डिग्री अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक में जाऊं, तो वो भी कर सकता है, सीधा भी आ सकता है, सीधा आने के लिए उसको प्रबल ऑक्सीकारक की सहायता लेनी पड़ेगी, ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो ऑक्सीकरण करवाते हैं। ठीक है, तो यहां जो हमने ऑक्सीकरण किया है वो ऑक्सीकरण हल्का किया है, तो मृदु ऑक्सीकारक, मृदु ऑक्सीकारक मतलब हल्के ऑक्सीकारक, ज्यादा भारी वाले नहीं, जबकि अगर आप चाहते हो कि अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बने और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बने तो मृदु ऑक्सीकारक से जा सकते हो, बट आप चाहते हो कि अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक बने तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, प्रबल ऑक्सीकारक काम में लेना पड़ेगा, प्रबल का मतलब होता है मजबूत, तो ये मजबूत क्या करेगा, सीधा अल्कोहल से कहां पहुंचा देगा, कार्बोक्सिलिक से, मतलब ये दोनों काम एक साथ करेगा, दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और
जब दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ देगा, मतलब यहां से यहां तक भी कर देगा और यहां से यहां तक भी कर देगा, तो सीधा हो जाएगा। और प्रबल ऑक्सीकारक के मैं आपको एग्जांपल देता हूं, KMnO4 अम्लीय माध्यम में, H+ का मतलब होता है अम्लीय माध्यम, या फिर KMnO4 क्षारीय माध्यम में। तो ये जो आपके होते हैं ये होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक, और प्रबल ऑक्सीकारक का काम होता है प्राथमिक अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा किसमें लेकर के जाना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में लेकर के जाना। अब बात आती है मृदु ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं, तो मृदु ऑक्सीकारक के मैं एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। हाँ दोस्तों आप देखिए, प्रबल ऑक्सीकारक में मैंने आपको एक और ऑप्शन दे दिया, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में। तो अगर आप इन तीनों में से कुछ भी काम में लेते हो तो आप सीधा अल्कोहल से कहां पहुंच जाओगे, कार्बोक्सिलिक में सीधा डायरेक्ट। और अगर आप मृदु ऑक्सीकारक काम में लेते हो, मृदु ऑक्सीकारक का एग्जांपल है पीसीसी इन CH2Cl2। पीसीसी क्या होती है, पिरिडियम क्लोरो क्रोमेट, फॉर्मूला क्या है, C6H5NHClCrO3। दूसरा होता है पीडीसी, पिरिडियम डाई क्रोमेट, तो पीडीसी फॉर्मूला क्या होता है, C5H5NH2CrO7। तीसरा होता है जॉन्स अभिकर्मक जो होता है H2CrO4 एसीटोन में। तो हमें इन भारी भरकम नामों से कोई मतलब नहीं है, हम तो क्या करने वाले हैं, जब भी हमें कहा जाएगा कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलो तो हम अल्कोहल लिखेंगे, एक एरो बनाएंगे, उसके ऊपर मृदु ऑक्सीकारक का नाम लिख देंगे। मृदु ऑक्सीकारक में आपकी इच्छा हो तो आप पीसीसी लेना, आपकी इच्छा हो तो पीडीसी लेना, आपकी इच्छा हो तो जॉन्स अभिकर्मक लेना। केवल इतना करना है, मैं यहां दिखा देता हूं करके एक बार, जैसे आपको दिया CH3CH2OH तो आपने इसके ऊपर ऐसे लिख देना है बस, पीडीसी पीडीसी लिख दिया आपने। आप चाहते तो पीसीसी भी लिख सकते थे, आप चाहते तो जॉन्स अभिकर्मक भी लिख सकते थे, केवल लिख करके सीधा आपको किसमें बदल देना है इसको, CH3C डबल बॉन्ड OH में, और सी डबल बॉन्ड OH क्या होता है, एल्डिहाइड। तो अगर अल्कोहल को आपको सीधा बदलना हो तो किसको काम में लोगे, मृदु ऑक्सीकारक को, जैसे कि पीसीसी पीडीसी और जॉन्स अभिकर्मक। परंतु कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको प्राथमिक अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा लेकर के जाना हो कार्बोक्सिलिक में, तो क्या करोगे, जैसे यही क्वेश्चन है मान लो, तो CH3CH2OH लिखा, एरो के ऊपर इन तीनों में से किसी का नाम लिख दोगे, जैसे KMnO4 अम्लीय माध्यम में, तो ये सीधा किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, ये OH हट जाएगा और CH3C डबल बॉन्ड OOH आ जाएगा, ये देख लो। तो यहां से यहां जाना है, इन तीनों जादूगरों की मदद ले सकते हो, यहां से पहले यहां जाना है तो मधु ऑक्सीकारक लो, और यहां से यहां जाने के लिए आपको फिर से ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, और यहां से यहां जाने में कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहो तो मधु ले सकते हो और आप चाहो तो स्ट्रांग ले सकते हो, प्रबल ले सकते हो, क्योंकि चॉइस है ना वो यहां से यहां में और यहां से यहां में है। तो यहां से यहां के लिए मृदु, यहां से यहां के लिए प्रबल, अब यहां तक पहुंच गए अगर तो यहां से तो यहां तक जाना ही है, चाहे मृदु लो चाहे प्रबल लो, ठीक है। तो चॉइस केवल कहां पे आती है, एक तो इस जगह पे चॉइस आती है और एक इस जगह पे चॉइस आती है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात अपन ने किसकी की है, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको यहां तक का टॉपिक समझ में आया है, 1 सेकंड 2 सेकंड में मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक नाम का चैप्टर हमने शुरू किया है, जो आपका एल्डिहाइड चैप्टर है उसका मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको एल्डिहाइड कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन आ जाए उसको कीटोन कहते हैं, और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच को अपन लोग कार्बोक्सिलिक कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं बेहद रोमांचक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल का तात्पर्य होता है ओ एच, पढ़ चुके हैं अपन, तो CH3CH2OH मैंने लिया, अब इसका मैं ऑक्सीकरण करवाता हूं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, तो आप यहां से हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो इधर से एच गया, इधर से एच गया, सी और ओ जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। इसका पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो बीच में ओ जाकर के फिट हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इच्छा हो सकती है आपकी कि यहां से हम सीधा वहां पे जाएं, बेशक जा सकते हैं, आपके लिए हाजिर है प्रबल ऑक्सीकारक, यहां से यहां तक जाना है आप लिखेंगे दुर्बल ऑक्सीकारक। मृदु का मतलब दुर्बल भी होता है, कभी कभी बहुत भारी वर्ड काम में लेना अच्छी बात नहीं, दुर्बल बोल सकते हो। दुर्बल ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं, पीसीसी इन CH2Cl2 नाम लिखना है केवल, पीडीसी और जॉन्स अभिकर्मक, इन तीनों का मैंने आपको सब कुछ लिख के दे दिया है, फॉर्मूले वॉर्मूले क्या है, श्रद्धा हो तो याद कर लेना।
और मतलब समझा दिया। और अगर सीधा आना है प्रबल में तो इन तीनों की हेल्प ले सकते हैं। इस एग्जांपल से क्लियर किया कि भाई पीडी से लोगे तो एल्डिहाइड पे जाओगे, और सेम चीज में अगर केमेनोफोर लोगे तो कहां पहुंचोगे, कार्बोक्सिलिक पे। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल तो हो गया, अब द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जो अल्कोहल है वो तीन टाइप का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री बता दिया है, यहां तक कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बने बनाए नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहे हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लास्ट में सैंपल पेपर मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी कुछ मिलेगा वहाँ पे, तो वो आप मैसेज कर सकते हो और चाहो तो इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। फिर हम शुरू करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। हाँ दोस्तों, अब अपन देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन पर OH है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन हो सकती है, कार्बन भाई साहब 4 बन बनाता है, तो OH ये अल्कोहल है पहली बात। तो जिस कार्बन पर OH है वो कार्बन आगे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन पर OH था वो आगे केवल एक से ही जुड़ा हुआ था, जिस कार्बन पे OH था वो आगे केवल एक से जुड़ा हुआ था इसलिए 1 डिग्री था, जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन आगे 2 से जुड़ा हुआ है इसलिए ये 2 डिग्री है। अब इसका अपन जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीकरण में आपको एक बात बिल्कुल क्लियर है कि या तो हाइड्रोजन को निकाल दो या ऑक्सीजन को जोड़ दो, या तो ऑक्सीजन को जोड़ दो या हाइड्रोजन को निकाल दो। तो देखो, एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकती है और एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकती है, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगी तो इन जनाब का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इन दोनों हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, CH3 यहां से केवल O बचा। अब देखो भाई साहब, ये जो H है वो भी गया, ये जो H है वो भी गया, ये एच गया तो ये ऑक्सीजन अनाथ हो गई, ये एच गया तो ये कार्बन अनाथ हो गया, मतलब इस कार्बन का भी एक बंध फ्री हो गया और इस ऑक्सीजन का भी एक बंध फ्री हो गया, तो वो आपस में बंध बना लेंगे और आपस में बंध बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका भी एक हाइड्रोजन गया, इसका भी एक हाइड्रोजन गया, दोनों का एक एक हाइड्रोजन गया, दोनों के बंध फ्री हो गए, दोनों ने आपस में बना लिया, ये बन गया। अब ये चीज क्या है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन होते हैं तो इस आफत का नाम होता है कीटोन। और कीटोन बन चुका है। अब इसका अगर आप और ऑक्सीकरण कराओगे, इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण, तो कछु नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या कर सकते हो इसमें, क्या कर सकते हो अब, अब इसके अंदर ना तो ये ऑक्सीजन बाहर निकाल सकते हो ना और ऑक्सीजन जोड़ सकते हो। जबकि देखो, यहां पे हमारे पास ऑप्शन था, ये H है तो बीच में हम एक O डाल सकते हैं, बट यहां तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन है, तो और O बीच में डालने का मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब कीटोन का आगे ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, जबकि एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण हो सकता है। और एल्डिहाइड कीटोन में अंतर साफ साफ आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन होती है, एक तरफ कार्बन होता है, सी डबल बॉन्ड O दोनों में होता है, कीटोन के अंदर सी डबल बॉन्ड O होता है, उस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, ये अंतर है। और कार्बोक्सिलिक में एक तरफ कार्बन और एक तरफ OH। तो अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि CHO ये एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन ये कीटोन है, और सी डबल बॉन्ड O OH ये कार्बोक्सिलिक है। तीनों में अंतर बताओ प्रतियोगिता में आपके पूरे नंबर आने चाहिए कि भाई ये एल्डिहाइड है CHO, ये कीटोन है दोनों तरफ कार्बन और ये कार्बोक्सिलिक है। ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब बात आती है 3 डिग्री अल्कोहल। थ्री डिग्री अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिस अल्कोहल में OH जिस कार्बन पर है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि OH जो है वो जिस कार्बन पे है वो कार्बन जो है आगे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है,
इसका ऑक्सीकरण कराने से हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त नहीं होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां से तो एच निकाल दोगे आप, बट इस कार्बन के ऊपर तो एच है ही नहीं, तीनों जगह कार्बन है, तो इस कार्बन से एच नहीं निकल सकता, और इस यहां से एच निकल जाएगा, इस कार्बन से एच नहीं निकलेगा, तो फिर बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, और डबल बॉन्ड नहीं आएगा तो कीटोन या कार्बोक्सिलिक बनने के कोई चांस नहीं है। अब दोस्तों समझो, यहां एच था तो पड़ोस वाले कार्बन से भी एच निकल जाता था, डबल बॉन्ड आता था, एल्डिहाइड बनता था। यहां पे एच था, पड़ोस के कार्बन से एच निकलता था, डबल बॉन्ड आता था, कीटोन बनता था। यहां पे एच है, पड़ोस वाले कार्बन पे कुछ भी नहीं है, तो किसको निकालोगे? और किसी को नहीं निकाल सकते, तो इसके ऑक्सीकरण से आपका एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह वगैरह नहीं बनेगा। तो अगर आपका प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक बोलते हैं इसको, अगर आपका प्राथमिक अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीकरण कराने से एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीकरण कराने से कार्बोक्सिलिक मिलता है, या फिर आप चाहो तो सीधे भी जा सकते हो प्रबल ऑक्सीकरण की सहायता से। अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, जिस कार्बन पे OH है वो दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसका ऑक्सीकरण कराने पर आपको कीटोन मिलता है। और अगर आपका 3 डिग्री का अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक ये होता है द्वितीयक, 2 डिग्री तृतीयक अल्कोहल है, तो उसका ऑक्सीकरण कराने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो अल्कोहल से किस प्रकार एल्डिहाइड, किस प्रकार कीटोन और किस प्रकार कार्बोक्सिलिक बनाया जा सकता है, ये आप सीख गए हैं। तो ये मैंने आपको आज समझाया कि किस तरह से अल्कोहल से आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक का निर्माण कर सकते हैं। भूलना नहीं है, याद रखना है प्रबल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक, 2 डिग्री का क्या होता है, 3 डिग्री का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए अभी के अभी कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक करते हैं उतना ही मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपके सामने दूसरा मेथड पेश कर रहा हूं जिससे आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, और वो है अल्कोहल के वी हाइड्रोजनीकरण से। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजनीकरण, वी को छुपा देते हैं, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। आसान था, हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का जुड़ना, वी हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का निकलना। तो अब मैं जो आपको सिखाऊंगा उसमें हाइड्रोजन निकलेगी, और हाइड्रोजन के निकलने से हमें मजा आएगा क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन निकाल लिए किसमें से, अल्कोहल में से। अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। OH जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है आगे वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन 2 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल अर्थात तृतीयक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल, OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो 1 से जुड़ा हुआ है, OH 2 डिग्री का जिस पे जुड़ा है वो 2 से जुड़ा हुआ है, और जिस पे OH जुड़ा है वो 3 से जुड़ा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल। इन तीनों का वी हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए आपको कॉपर चाहिए 350 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। आपको कॉपर चाहिए 350 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। आपको कॉपर चाहिए 300 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब हमें यह सीखना है कि जब हमने कॉपर को लिया और इस तापमान को लिया, तो इन तीनों महाशय में से आपकी हाइड्रोजन कैसे बाहर निकलती है, वी हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन अकेले तो जाएगी नहीं, एक एच निकलेगा, एक और एच निकलेगा, दोनों जुड़ेंगे और एच टू बाहर निकलेगा। तो यहां से एच निकल जाएगा, यहां से एच निकल जाएगा, पड़ोस वाले कार्बन पे एच है तो यहां से एच निकल गया,
यहां से H निकल जाएगा, H2 बाहर निकल गया, H2 बाहर निकला मतलब विहाइड्रोजनीकरण, क्या बना ये CH3, पड़ोस में ये कार्बन, इस कार्बन जुड़ी हुई OH में से H गया, O बचा, पड़ोस में ये वाली हाइड्रोजन, सॉरी पड़ोस में ये वाली हाइड्रोजन, तो CH3 C इससे जुड़ा हुआ ये वाला H, इससे जुड़ा हुआ O, और ये जो H और H है ये H2 बन करके बाहर निकल गया, पहले भी कर चुके हैं, इसका ये अनाथ हो गया, इसका ये अनाथ हो गया, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड। ऑक्सीकरण के जैसे जैसा ये, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस यहां पे अपन केवल हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं इसलिए इसका नाम है विहाइड्रोजनीकरण। अब इसके आगे नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि इसके आगे जाने में ऑक्सीकरण कराओगे तो कार्बोक्सिल में पहुंच जाओगे, बट ऑक्सीकरण कराना नहीं है क्योंकि केवल क्या बात हो रही है विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हो और ज्यादा ऑक्सीजन जोड़ नहीं सकते हो, तो ये यहीं रुक जाएगा। पड़ोस में आते हैं, यहां से एच बाहर निकाल देंगे, यहां से एच बाहर निकाल देंगे, अब तो हम सीख गए एच टू बाहर निकल जाएगा, क्या बचा सी एच थ्री, ये वाला सी सी एच थ्री, इस कार्बन का एक बंद मुक्त हो गया, इस कार्बन का एक बंद मुक्त हो गया, क्या बन गया डबल बॉन्ड, और सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन होते हैं तो ये क्या कहलाता है कीटोन। क्या चीज बाहर निकली है H2, इसलिए ये क्या है विहाइड्रोजनीकरण। तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है, अब आप देखो यहां से H निकालोगे तो यहां से क्या निकालोगे, कुछ नहीं निकाल सकते, और जब यहां से आप कुछ नहीं निकाल सकते हो तो फिर इससे एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण नहीं होगा, सही है, क्योंकि तो यहां से ओ एच निकले, पड़ोस में से एच निकले तो कुछ होगा ना, बट यहां पे एच है ही नहीं, यहां एच है ही नहीं तो कुछ नहीं बन सकता, तो इससे एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण नहीं होगा। तो ये और इसके पहले वाला टॉपिक लगभग लगभग आपको सेम लगेंगे, हुआ तो सेम ही है बट अंतर है, इसके पहले वाले टॉपिक में ऑक्सीकरण करवा रहे थे, ऑक्सीकरण में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप हाइड्रोजन बाहर निकाल दो या ऑक्सीजन जोड़ दो, इसलिए पहले इसमें से मैंने हाइड्रोजन बाहर निकाली और इसके बाद आगे और ऑक्सीकरण करवा के ऑक्सीजन जोड़ करके कार्बोक्सिलिक बनाया, बट क्योंकि ये विहाइड्रोजनीकरण है इसलिए इसके अंदर केवल एक ही ऑप्शन है हाइड्रोजन निकालने का, तो केवल हाइड्रोजन निकालने तक रिएक्शन जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा। काम में किसको लेंगे कॉपर को इस तापमान पे, उसमें काम में किसको ले सकते हैं पीसीसी पीडीसी और जॉन्स अभिकर्मक, अंतर समझ आ रहा है, इधर सेम बात है, इधर आप जब 2 डिग्री से जाओगे तो हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हो, इसके आगे हालांकि वहां भी कुछ नहीं बनता, यहां भी कुछ नहीं बनेगा, और ना ऑक्सीकरण करने पे एल्डिहाइड कीटोन बनता है 3 डिग्री में, ना ही विहाइड्रोजनीकरण करने से बनता है। तो ये मैंने चैप्टर की शुरुआत करी, आपको बताया कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक क्या है, एल्डिहाइड के निर्माण का विधि सिखाई, किससे एल्कोहल से, कैसे बना सकते हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके और एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे जरूर बताएं, नीचे कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन, और नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी कर पाए। थैंक यू।